I welcome you to the sixth session of economics class. In the previous class, we were studying about central problems of economy. We have read our two problems, and that is what to produce and second is how to produce. Now let's focus towards the third problem, and that is for whom to produce. So what the definition is, let's see. This problem deals with the issue of distribution of output or income in the economy. It deals with two aspects, and that is first, factorial distribution of income, and second is interpersonal distribution of income. यानी कि ये problem deal करती है कि हमें income को कैसे distribute करना है किसके किसके बीच में. तो इसके अंदर दो aspects होते हैं, पहला factorial distribution and second is interpersonal distribution. So let's focus to the first one, and that is factorial distribution of income. Deciding the share of different factors of production or income share of different factors of production, viz. Wages for labor, interest for capital and rent for land. Yani ki jo ek product banane ke baad hamare paas jitna income aa raha hai, us income ko hum kaise share karenge? Hamare paas option hai, hum ya to labor ko ज़्यादा वेजेस दे सकते हैं या कम वेजेस दे सकते हैं. हमने जो कैपिटल यूज़ किया यानी जो हमने मशीन यूज़ किया उसके बदले हम उस पर हम ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं या फिर कम दे सकते हैं, या फिर रेंट जो हमें लैंड का देना होता है वो हम कम दे सकते हैं या हम ज़्यादा दे सकते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कि हमें कितना पैसा किस किस को कैसे कैसे देना है, वो हम फैक्टरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में पढ़ते हैं. लेट्स फोकस टू द सेकेंड एस्पेक्ट, एंड दैट इज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Distribution of income among different section of society, that is poor section of society or rich section of society. यानी कि जो हमें income है अब हम वो कैसे earn कर सकते हैं, हमें अपना product किसके लिए produce करना है, rich के लिए या फिर poor के लिए. अब या तो हम ज़्यादा प्राइस रख कर उसको हम सिर्फ रिच जो लोग हैं सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हम उसको हम कम प्राइस रख कर उसको सबके लिए अवेलेबल बना सकते हैं, यानी पुअर भी उसे अफोर्ड कर पाएँ और रिच भी अफोर्ड कर पाएँ. सो ये प्रॉब्लम होती है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर. नाउ द बेसिक क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड इक्वालिटी और इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. अब हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है या इनइक्वालिटी को प्रमोट करना है, ये एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई यहाँ पर. यानी ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई. कैसे? क्योंकि इक्वालिटी इज़ अ सोशल वर्च्यू ऑफकोर्स, बट इनइक्वालिटी में इंड्यूस हायर सेविंग, हायर इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर हायर रेट ऑफ ग्रोथ. यानी कि इक्वालिटी इट्स बट ऑब्वियस अगर हमारी सोशल वर्च्यू है. कैसे? क्योंकि इक्वालिटी होगी तो हर एक सेक्शन हर एक बेनिफिट को ढंग से यूज़ कर पाएगा और उसको डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इक्वालिटी प्रमोट होगी, ना ही कोई बड़ा रह जाएगा और ना ही कोई छोटा रह जाएगा. लेकिन इनइक्वालिटी होगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिच के लिए काम करें और पुअर के लिए इतना ज़्यादा काम ना करें. तो इसके अंदर हमारे पास एक बेनिफिट आ गया कि हम ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे. सबसे पहली बात, एक प्रोडक्ट के बदले हमारी इनकम ज़्यादा हुई, इनकम ज़्यादा होगी तो हम कुछ यूज़ कर लेंगे, कुछ कंजम्पशन हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी सेविंग हो जाएगी. सेविंग, जितनी सेविंग उतनी इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट उतनी रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा रहेगी हमेशा. सो ये प्रॉब्लम डील करती है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी से. सो आई एंड अप दिस सेशन नाउ. वील मीट वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड हिट दैट स्मॉल बेल बटन व्हेन यू विल सब्सक्राइब माई चैनल. बाय, टेक केयर.